नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जौहर झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह मैंने पेपर में पढ़ा कि झारखंड कोरोना सहायता ऐप जो झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, उसे हमारे जो बाहर में फंसे हुए लोग हैं झारखंड के, वो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों झारखंड सरकार ने जो ऐप लॉन्च किया है वो APK में लॉन्च किया है, यानी APK एक फॉर्मेट होता है, और लोगों का कहना है कि गूगल प्ले स्टोर में होता तो इजीली होता। ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, गूगल प्ले स्टोर में कोई भी ऐप्स होने के लिए उसको बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसको ये प्रूफ देना पड़ता है कि इस ऐप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए दोस्तों झारखंड सरकार ने इजीली APK लॉन्च किया है, तो इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कैसे डाउनलोड करना है, इजीली बताया है, लेकिन उससे भी इजी तरीके में मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। और आपसे एक निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी झारखंड वासी हैं उनको लाभ पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ये ऐप है इसको अगर आप बाहर में हो, बाहर में फंसे हुए हो झारखंड से बाहर, तभी आप इसको फुल्ली एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं झारखंड में हूँ, मैं तो ऐप्स को डाउनलोड कर लूँगा, लेकिन जब फॉर्म भरूँगा तब मैं इसको नहीं एक्सेस कर सकता। क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हो, बहुत इजी तरीका है, आपको एक आधार कार्ड देना है, आधार कार्ड को ऐसे साइज में फ़ोटो खींच लेना है, जो आधार कार्ड इस टाइप का रहता है ऐसे फ़ोटो खींच लेना है, और आपका जो फ़ोटो है उसको भी आपको खींच लेना है, ठीक है, और उसको अपलोड करना है। उसके बाद नाम, पता, अपना ज़िला का नाम, आपका ब्लॉक का नाम, सब कुछ डालना है। और उसके बाद आप बोलिएगा कि आप पूरा फॉर्म भर के क्यों नहीं देखा है, इसीलिए क्योंकि जब आप अपना फ़ोटो डालते हो, वहाँ पर सेल्फी लेने का एक ऑप्शन आता है, जब आप सेल्फी लेते हो तो उसमें लोकेशन ट्रैकिंग होती है। लोकेशन ट्रैकिंग अपने मोबाइल में देखिएगा, लोकेशन सेटिंग होगा, एक जगह लोकेशन ऑन करने का होगा। जैसे ही आप फ़ोटो खींचेगा, सेल्फी लीजिएगा, आपका लोकेशन ऑन हो जाएगा और जहाँ पर आप रह रहे हो उसका नाम आ जाएगा, यानी लोकेशन ट्रैक हो जाएगा। आप सोचिएगा कि झारखंड में रह के हम पैसा ले लेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि आप झारखंड में रहोगे तो आपका झारखंड का लोकेशन ट्रेस हो जाएगा, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो पूरी तरह से, और आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 2,000 रुपया मिलेगा, लेकिन दोस्तों आज मैंने पेपर में देखा 1,000 रुपया मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जितना भी सहायता मिले आप लोग ले लीजिए, और इस वीडियो में आपको पूरा इजी तरीके से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, पूरा इजी तरीके से बताऊँगा, आप एक एक स्टेप को देखना, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, गूगल में सर्च करना है covid19help.jharkhand.gov.in। मैंने यहाँ जैसा लिखा है सेम टू सेम आपको लिख देना है, और आपको सर्च मार देना है गूगल में। तो यहाँ मैं सर्च कर दे रहा हूँ covid19help.gov.in पे, मैं यहाँ सर्च करता हूँ। यहाँ पर मैंने सर्च किया, सर्च करने से दोस्तों आपको इस टाइप का दिखेगा इंटरफेस, यानी इस टाइप का लिखा हुआ होगा, इसको आपको पढ़ लेना है। मैं बता दूं, इस फॉर्म को दोस्तों भरने का जो लास्ट डेट है वो 22/4/2020 तक है, उससे पहले ही आप भर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो बैगनी कलर में एक ऑप्शन, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप डाउनलोड। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा राइट साइड वाला, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है दोस्तों। फिर ओपन कर देना है ऐप्स को, राइट साइड में इंस्टॉल का ऑप्शन है, यहाँ लिखा हुआ राइट साइड वाला, इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये ऐप्स इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के कुछ देर बाद दोस्तों आपको यहाँ ओपन करना है। ओपन करने से आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी का फोटो दिखेगा, उसके बाद ये खुल जाएगा। ऐप्स देखिए बहुत ही इजी है, आप लोग कैसे नहीं कर पा रहे हो मुझे पता नहीं। देखिए सबसे पहले आपको इस टाइप का आधार कार्ड का फ़ोटो खींचना है जैसा दिया हुआ है, उसके बाद अपना एक फ़ोटो खींचना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो है इसमें पहले आपको पंजीकरण के लिए आगे बढ़ना है, यहाँ पर ज़िला का नाम देना है, आप जिस भी ज़िले से आते हो प्रखंड का नाम देना है, पंचायत का नाम देना है, उसके बाद आपका लिंक देना है। यहाँ पर उससे पहले आपको
लाभार्थी का नाम आपको अपना नाम देना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं पूरे फॉर्म को नहीं भर के बता सकता हूँ, यहाँ पर सिर्फ गाइडलाइन बता सकता हूँ। और यहाँ आपके पापा का नाम देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर दे देना है। उसके बाद इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे सत्यापित करें में ओके करना है और आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पर मैं पूरा करके नहीं इसलिए बता सकता हूँ दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि जब भी आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे तो ये लोकेशन को ट्रेसिंग करती है, यानी जिस लोकेशन पे हो आप वहाँ से आपको एक सेल्फी फ़ोटो लेना होगा दोस्तों। जब आप सेल्फी फ़ोटो लीजिएगा, सेल्फी का भी ऑप्शन आएगा, तो जैसे सेल्फी लीजिएगा तो आपका लोकेशन ऑन हो जाएगा, और जहाँ पर आप हो, मान लीजिए आप दिल्ली में हो, तो दिल्ली में जिस जगह हो वहाँ उस फोटो में लिखा जाएगा उस जगह का नाम, खुद ब खुद ये ऐप्स में सेटिंग है। इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैं यहाँ आगे बढ़ूँगा ये झारखंड का नाम लिखा जाएगा और ये आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों, सच्ची बता रहा हूँ। आप करके देखना, अगर आप झारखंड में रहते हो तो इसको करके देखना, ये नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया गया है दोस्तों क्योंकि झारखंड में भी रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो 1000 के चलते सोचते होंगे कि नहीं ले लेंगे, फ़ायदा फ्री का चीज़ मिल रहा है ले लेते हैं ना, इसीलिए ऐसा किया गया है। लोकेशन ट्रेस होता है तो मैं आपको बता दूं, बहुत ईजी है, सत्यापित कीजिएगा उसके बाद आगे बढ़िएगा। देखिए यहाँ पर सत्यापित में जैसे मैंने ओके किया, यहाँ क्या लिखा है, क्षमा कीजिए यह मोबाइल ऐप झारखंड के लोग जो झारखंड से बाहर कोरोना की वजह से फंसे हुए हैं उनके लिए है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता दोस्तों, नहीं तो मैं आपको पूरा बता देता। बस इससे आगे बढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका बैंक का जो ये क्या बोलते हैं, आपका बैंक का अकाउंट नंबर देना है, बैंक का अकाउंट नंबर आपका पासबुक में देखिएगा, और IFSC कोड एक होता है, यानी IFSC कोड आपको गूगल में भी मिल जाएगा और पासबुक में भी लिखा हुआ रहता है, बस उसको डाल दीजिएगा, आपका पैसा अकाउंट में घुस जाएगा, 1000 रुपये आपको मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों को हेल्प मिले। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक बड़ी टेक न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जोहार।